हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और एक बहुत ही खुशखबरी है कि आपके लिए हरियाणा में जीबीटी की वैकेंसीज़ आई हैं। ये वैकेंसीज़ जो आई हैं ये आपकी आई हैं मेवात कैटरी में। और वैकेंसीज़ जो हैं इन टोटल वो 1456, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। इन टोटल आपकी लगभग 1500 वैकेंसीज़ हैं ये। सो इसमें जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो होंगे 12th of August से, जबकि नोटिस जो पब्लिश हुआ है वो हुआ है आज 9th of August को। सो क्लोजिंग डेट जो रहेगी एप्लीकेशंस की वो 21st रहेगी, और फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 23rd of August। सो इसमें बाकी सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, इंडेक्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले इसमें आप जो है 1456 जो पोस्ट का नोटिस है, आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, आप इसे देख सकते हैं। और 21st of August तक ये लिंक एक्टिव रहेगा, रात को 11:59 तक। इसमें जो पीआरटी की जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं अभी तो फ़िलहाल आपकी मेवात कैटरी की आई हैं, बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी जल्दी ही आएंगी वैकेंसीज़। मेवात कैटरी में जनरल की 607 पोस्ट हैं और इन टोटल जो है वो 1456 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपसे आपने प्लस टू किया हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो या BLED किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एचटेट आपके पास या एसटेट होना चाहिए। बता दूं मैं आपको कि जो नोटिस ये आपको आया था अभी कुछ पहले कि उसमें एचटेट की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। तो किसी ने किसी भी ईयर में जब से आपका स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जब से स्टार्ट हुआ था, तो आपने कभी भी वो पास किया हो तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी है। और आपके दोबारा से जो है मार्कशीट आपका गवर्नमेंट ने पहले ही स्टेटमेंट दे दी है कि दोबारा मार्कशीट रिलीज़ नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो लाइफ टाइम ट्रीट किया जाएगा जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। फिर आप थर्ड जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, दैट इज़ मैट्रिक आपने किया हो विद हिंदी या संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हैं, या आपके पास 10+2 में ही रहा हो हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो बाकी आपसे जो है इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। एज अगर हम बात करें, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो आपके 18 से लेके 42 ईयर्स तक है। और पे स्केल जो है आपका 9300 से जो है आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी, और ग्रेड पे जो रहेगा वो होगा 4200 रुपीज़। रिलैक्सेशन इन एज जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिलेगा। तो इसमें जैसे SC कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 ईयर्स है, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए आप देख पा रहे हैं इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको दिया है कि कितना जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम एज होगी सभी रिलैक्सेशन मिला के वो 52 ईयर्स आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन है इसमें। यहाँ पे आपको किस किस बिहाफ पे आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है तो वो आपको ये देखना है। एक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो भी हों उनको जिला सैनिक बोर्ड से या आपको आईडी कार्ड इशू करवाना है, वो अटेस्टेड होना चाहिए, या फिर आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक जो है वो होना चाहिए। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को भी अपनी जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रॉपरली आपको अपने पूरे करवाने हैं, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे। चार्जेस की अगर बात करें हम, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आप मेल या फीमेल के लिए आप 150 रुपीज़ आपको पे करने हैं। फीमेल ऑफ हरियाणा ओनली शुड पे 75 रुपीज़। और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सभी कैंडिडेट्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपको 150 पे करना है। SC BC EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, मेल को 35 और फीमेल को 18 रुपीज़ जो है पे करनी है। रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका वो होगा आपका 95 मार्क्स का इसमें। और टाइम आपको दिया हुआ है, और इसमें जो वेटेज रहेगी 0.95 रहेगी हर क्वेश्चन के लिए। तो जो 5 मार्क्स हैं वो रिमेनिंग आपके वो डिपेंड करते हैं वो जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए बार बार केस चलता रहता है, तो हो सकता है आपकी 95 से भी लिस्ट हो जाए। और अगर
सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के फेवर में जाती है चीज़, तो आपका 100 मार्क्स से भी जो है उसमें से आपका स्कोर जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। और फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी होगी वंस आप अगर मेरिट लिस्ट में स्टैंड करते हैं तो। और मिसकंडक्ट के लिए आपको जो है मतलब क्या क्या जो इम्प्रिजनमेंट या जो भी आपका जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, आप किस फॉल्ट के लिए आपको क्या क्या पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इसके रिगार्डिंग। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ये नोटिस आपने पूरा पढ़ना है तो इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नवी क्लासेस से आपको PDF मिल जाएगा, आप पूरा अच्छे से गो थ्रू हो जाना एडवर्टाइजमेंट से अप्लाई करने से पहले। और पैटर्न जो है आपका एग्ज़ाम का वो भी यहाँ पर गिवन है कि किस सब्जेक्ट के कितने MCQs आएंगे, और डिटेल्ड सिलेबस भी आपका गिवन है कि आपको टॉपिक्स भी इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से दिए हुए हैं। सो आप जो है बिल्कुल अच्छे से पूरा नोटिस पढ़ें तभी आप अप्लाई करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुँचे। और कोशिश करेंगे हम कि इसके सिलेबस के हिसाब से कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएं, कुछ स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पर भी और यहाँ यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। सो आप हमारे साथ बने रहिए, आपका सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।